आंदोलन पार्ट टू की आहट से सतर्क हुई दिल्ली और हरियाणा पुलिस। सर्विलांस के लिए आधुनिक कैमरे और साउंड सिस्टम भी लगाया। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो का कर रखा है ऐलान। हरियाणा और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई और दिखाई देने लगी है। टिकरी बॉर्डर पर कंटीली तारे, लोहे और सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड लौट आए हैं। एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी लंबित मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी से दिल्ली चलो की बात कह रहे हैं। बीच में सरकार से बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई, जिसके बाद हरियाणा और केंद्र सरकार ने किसानों को रोकने की तैयारी तेज कर दी है। पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर भी बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। वहीं टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा और दिल्ली की साइड में भारी भरकम कंटेनर और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसानों के दिल्ली आने की आहट से कामगारों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। टीकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का कहना है कि किसानों की मांग तो जायज है, लेकिन रास्ते रुकने से उनका काम प्रभावित हो जाएगा। ऐसा हमारे काम धंधे में आने जाने में दिक्कत होती है, तो यही होगा, थोड़ा काम पे भी असर पड़ेगा। और क्या होगा, अभी क्या कंटीले तार लगा रखे हैं? ये तो वो पुलिस वाले उनको इसलिए कर रहे हैं कि ताकि रोक पाए उनको, हमको आने भी दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। नहीं, किसानों की मांग तो जायज है, किसानों की मांग जायज है, वो गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो सरकार को सुननी चाहिए ना सर, अगर जो चीज जाए, जो जायज है वो तो जायज है, अगर कुछ अगर गलत होता है आदमी सामने वाले को बताएगा तभी तो समझ में आएगा उसके बारे में। मोटर बंद होंगे तो नुकसान नहीं होगा क्या? नुकसान तो वो तो होगा ही, अगर कोई चीज अगर रास्ता रुकेगा आने जाने की प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी क्या होगा क्या नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस ने किसानों के संभावित आगमन को देखते हुए बॉर्डर पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम और अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए। सड़क के दोनों तरफ सीमेंट कंक्रीट के अलग अलग साइज के बड़े बड़े बैरिकेड रखे गए हैं। सड़क पर बैरिकेड रखने के लिए क्रेन भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान रिजर्व रखे गए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत बॉर्डर पर जवानों को तैनात किया जा सके। कुल मिलाकर हालात वही पुराने किसान आंदोलन के दिनों की याद ताजा करा रहे हैं। एवन हरियाणा के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।